यह आदमी साल 1920 में अचार बनाने वाले एक टैंक में गिर जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाती है और 100 साल बाद उसे टैंक से बाहर निकाला जाता है और वो आदमी जिंदा होता है। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है एन अमेरिकन पिकल। फिल्म 1919 में पूर्वी यूरोप में श्लप्स्क नामक जगह पर शुरू होती है। हर्शल ग्रीनबाम एक जूस मजदूर है जो खाई खोदने का काम करता है। उसका काम बहुत ज्यादा थकाने वाला है और उसे बिल्कुल ही कम पैसा मिलता है। वो जितना पैसा कमाता है नए फावड़े में खर्च कर देता है जो बार बार टूटता रहता है। हर्शल बताता है कि उसका जीवन कठिन था, लेकिन जब वो अपने प्यार सारा से पहली बार मिलता है तो उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। बाजार से एक गोल्डन मछली खरीद कर हर्शल ने सारा को इम्प्रेस किया और दोनों दोस्त बन गए। उनके बीच बहुत कुछ कॉमन है, जैसे कि उनके माता पिता दोनों की हत्या रशियंस ने की है। दोनों की सबसे बड़ी इच्छा है कि वो एक दिन अपने लिए ग्रेवस्टोन खरीद पाएं, जहां उन्हें मरने के बाद दफना दिया जाए। कुछ महीने बाद वे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की उम्मीद में शादी कर लेते हैं। हालांकि उनके प्लान तब बर्बाद हो जाते हैं जब रशियंस शादी की सेरेमनी के ठीक बाद गांव पर हमला कर देते हैं। वो डर में नहीं जीना चाहते थे, इसलिए दोनों अमेरिका चले जाते हैं। हर्शल का दावा है कि अमेरिकन्स उनके साथ रशियंस से ज्यादा बेहतर व्यवहार करते हैं। हर्शल को अचार की फैक्ट्री में नौकरी मिलती है, जहां वो हर 10 चूहे मारने के लिए एक निकल कमाता है। वो दंपत्ति कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में 2 ग्रेवस्टोन खरीदते हैं ताकि वे हमेशा के लिए एक साथ रह सकें मरने के बाद भी। उसके बाद सारा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक दिन हर्शल अचार के टैंक में गिर जाता है और उसी वक्त गवर्नमेंट फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर देती है। टैंक को कवर कर दिया जाता है और हर्शल अगले 100 वर्षों के लिए इसके अंदर फंस जाता है। समय बीतता जाता है, लेकिन कोई भी उसकी तलाश करने नहीं आता। एक दिन 2 लड़के वहाँ फैक्ट्री में आते हैं और टैंक का ढक्कन खोलते हैं, जो गलती से उनके ड्रोन से हल्का सा खुल गया था। इसके अंदर 100 साल तक फंसे रहने के बाद भी हर्शल जीवित है और अच्छा है। उसकी कहानी शहर में चर्चा का विषय बन जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है ताकि सबको बताया जा सके कि वो 100 साल तक कैसे जिंदा रहा। इसके बाद हर्शल को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हर्शल पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। बैकग्राउंड चेक के बाद डॉक्टर ने पता लगाया कि हर्शल के सभी वंशज मर चुके हैं, उनके परपोते बैन को छोड़कर। जब डॉक्टर बैन से कॉन्टेक्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ब्रुकलिन में रहता है और अपने परदादा हर्शल से मिलने के लिए बहुत उत्तेजित है। बैन उसे लेने जाता है और ये देखकर हैरान है कि दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं। जब हर्शल पहली बार बिल्डिंग के बाहर कदम रखता है तब वो बिल्डिंग्स और कार्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है। हर्शल ने जब आखिरी बार न्यूयॉर्क को देखा था तब से सब कुछ बहुत बदल गया है। बैन बहुत खुश है अपने परदादा को ये सब नई नई इन्वेंशंस दिखा पाने के लिए। जब वो बैन के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो हर्शल को और भी हैरानी होती है। हर्शल जो गरीबी में रहने का आदि है, उसे लगता है कि ये अपार्टमेंट बहुत बड़ा और शानदार है और बैन हर्शल को वेलकम करता है और कहता है कि जब तक हर्शल चाहे यहाँ रह सकता है, लेकिन हर्शल सोच समझ कर कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। हर्शल का उत्साह तब ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे पीने के लिए जूस मिलता है, जो उसके समय में सिर्फ अमीर लोग ही पिया करते थे। बैन एलेक्सा पर एक पुराना गाना बजाता है और दोनों एक साथ डांस करते हैं। फिर हर्शल बैन से पूछता है कि वो क्या करता है और सोचता है कि वो एक डॉक्टर या लॉयर हो सकता है। जब बैन कहता है कि वो एक फ्रीलांस ऐप डेवलपर है तो हर्शल कंफ्यूज्ड हो जाता है। बैन कहता है कि वो पिछले 5 सालों से बूप बॉप नाम की एक ऐप डेवलप कर रहा है और इसके बारे में बहुत पैशनेट है। ये एक ऐसी सर्विस है जो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चूज करने में मदद करता है और कंपनी की एथिक्स चेक करता है। हर्शल वॉल पर फैमिली की कोई फोटो नहीं देखता, इसलिए बैन से इसके बारे में पूछता है। बैन उसे एक फैमिली फोटो एल्बम दिखाता है जो हर्शल को इमोशनल कर देता है। वो सारा की फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि उसे लड़का हुआ था जिसका नाम मोर्ट था। बैन के माता पिता के बारे में पूछे जाने पर बैन अनकंफर्टेबल हो जाता है। बैन कहता है कि वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। अगले दिन वे अपने परिवार की कब्रों को देखने गए और कब्रिस्तान को खंडहर के रूप में देखकर हर्शल दहशत में आ जाता है। अपनी पत्नी की खराब कब्र को देखकर वो रोने लगता है। कुछ वर्कर्स रशियन वोडका की एक ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड पर लगा रहे थे जो कि उसकी बीवी की कब्र के ठीक ऊपर है। ये हर्शल को उन रशियंस की याद दिलाता है जिन्होंने उसके माता पिता को मार डाला था। गुस्से में हर्शल उन्हें पोस्टर को नीचे उतारने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं मानते, इसलिए वो उन पर हमला करता है। बैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन पिट जाता है।
जाता है। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेन बहुत पैसा देकर जेल से बाहर निकलता है। फिर हर्षल बेन को उसके इन्वेस्टर फ्रेंड को मैसेज करने के लिए मनाता है। तुरंत रिप्लाई आता है और फिर बेन इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करने जाता है जो उसके ऐप में पैसा लगाने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये जानकर दुखी हो जाता है कि इन्वेस्टर उसे पैसे नहीं देंगे क्योंकि अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो घर लौटता है और उसके जीवन को खराब बनाने के लिए हर्षल को दोषी ठहराता है। हर्षल बेन के आइडियाज को नहीं समझता है और कहता है कि उन्हें आचार का बिजनेस शुरू करना चाहिए। गुस्से में बेन कहता है कि अगर सारा जीवित होती तो हर्षल के कामों को लेकर बहुत दुखी होती। तभी हर्षल बोलता है कि वो पिकल बिजनेस शुरू करेगा और बिलबोर्ड को हटाकर वो अपने मरे हुए रिलेटिव्स को प्राउड फील कराएगा। अपने परिवार के नाम पर बेन एक बदनामी है, ये कहने के बाद हर्षल अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। पहले हर्षल किराने की दुकान पर खीरा खरीदने जाता है लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। घूमते समय वो नोटिस करता है कि किराने की दुकान के बाहर डस्टबिन में खीरे का एक पैकेट पड़ा है। वो उन्हें अपने साथ ले आता है और इसी तरह हर्षल शहर के चारों ओर डस्टबिन से सभी नेसेसरी आइटम्स इकट्ठा करता है। शॉपिंग कार्ट, नमक और बारिश के पानी से वो आखिरकार अचार बना लेता है, जिसके बाद वो सड़क के किनारे एक छोटा सा अचार का स्टैंड रखता है। वो अपना पहला जार $4 में बेचता है क्योंकि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है और उन्हें किराने की दुकान की तुलना में कम कीमत पर बेच रहा है, इसलिए ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है। वो कस्टमर्स को जार समाप्त होने के बाद जार वापस लाने के लिए भी कहता है। इस तरह से कस्टमर्स सोचते हैं कि उसका बिजनेस इको फ्रेंडली है। उसके ग्राहक सोशल मीडिया पर उसके बारे में पोस्ट करना शुरू कर देते हैं जो उसके बिजनेस को तेजी से बढ़ाता है। बेन को हर्षल के लोकल अचार बिजनेस के बारे में भी पता चलता है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, जबकि वो अपने ऐप के लिए नए विचार बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वहीं हर्षल का बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है। बेन को जलन होती है और एक दिन बेन हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन करता है और हर्षल के बारे में शिकायत दर्ज करवाता है कि कचरे के डिब्बे में पाए जाने वाले आइटम्स को यूज करके उसका अचार बनाया जाता है। इसकी वजह से हर्षल का बिजनेस बंद हो गया है। उसके ऊपर $12,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। हर्षल वहीं आ जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके दो वफादार कस्टमर्स उसे इंटर्न को हायर करने की सलाह देते हैं क्योंकि उन्हें भी पे नहीं करना होगा। हर्षल को ये आइडिया अच्छा लगता है। वो अचार बनाने और पैक करने के लिए इंटर्न्स के एक ग्रुप को काम पर रख लेता है जो अच्छे तरीके से अचार बनाते हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव होते हैं। इंटर्न्स उसे बड़े पैमाने पर अचार बेचने में मदद करते हैं जिससे बिजनेस जल्दी से जल्दी वापस चलने लगता है। हर्षल बिलबोर्ड खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे कमाता है और इसे गिरा देता है। इस बीच बेन देखता है कि जो लोग बेन के ऐप में इन्वेस्ट करने वाले थे अब हर्षल के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अपनी जीत की घोषणा के लिए हर्षल बिलबोर्ड को बेन के अपार्टमेंट में लाता है। वो कहता है कि वो बेन की मदद करना चाहता है क्योंकि वे फैमिली हैं। लेकिन बेन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं और बेन चाहता है कि हर्षल वहां से चला जाए। जब दोनों बात करते हैं तो हर्षल कहता है कि पोलिश आदमी जो पोलैंड कंट्री के रहने वाले होते हैं बेवकूफ होते हैं। वो बेन को एक आइडिया देता है कि वो आचार के बिजनेस को कैसे खत्म कर सकता है। वो हर्षल को सुझाव देता है कि हर्षल ट्विटर अकाउंट बनाए। उस शाम एक इंटर्न की मदद से हर्षल एक ट्विटर अकाउंट बनाता है और हर्षल महिलाओं, धर्म और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ट्वीट करता है। अगले दिन लोग उसकी दुकान के सामने आते हैं और उसके विचारों का विरोध करते हैं जिसमें सभी उसके अचार के बिजनेस का बहिष्कार करते हैं। उसके इंटर्न भी उसका साथ छोड़ देते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी हर्षल अपनी राय पर अड़ा रहता है। समय बीतने के साथ कुछ लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो किसी से नहीं डरता है और अपने विचारों को फ्रीली बताता है। यहाँ तक कि वो इस विषय पर कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ बहस के लिए उपस्थित होने के लिए चुना जाता है। पहले तो सामान्य तौर पर महिलाओं के बारे में हर्षल के बयानों को बोल्ड ओपिनियन के रूप में देखा जाता है, लेकिन फिर दर्शकों के बीच से बेन हर्षल से एक सवाल पूछता है कि क्रिश्चियनिटी के बारे में उसकी क्या राय है। हर्षल बहुत ही गलत बात बोल देता है जिससे जो लोग उसकी तरफ थे न्यूयॉर्क की सड़कों पर उसका पीछा करते हैं और उनके धर्म का अनादर करने के लिए उसे मारना चाहते हैं। वो उस रात एक गली में छिपकर जीवित रहता है। उस रात एक न्यूज रिपोर्ट देखता है कि पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसे बायकॉट करने के लिए हमेशा के लिए, और सभी अथॉरिटी हर्षल के अतीत को खोदना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हर्षल को ईस्टर्न यूरोप भेजना चाहते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी में पुरानी फाइल्स न मिलने के कारण हर्षल कहाँ से है ये पता नहीं लग पाता और उसकी सिटीजनशिप रद्द कर दी जाती है। उसे एक भगोड़ा और अवैध विदेशी घोषित कर दिया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि उसे देखते ही पुलिस में रिपोर्ट करें। कोई रास्ता नहीं होने के कारण हर्षल अपने एकमात्र फैमिली बेन के पास मदद के लिए जाता है। वो स्लब्स वापस नहीं जाना चाहता। हर्षल कहता है कि वो कनाडा चला जाएगा और वहाँ एक बिजनेस शुरू करेगा। बेन एक लास्ट बार अनिच्छा से उसकी मदद करने के लिए एग्री हो जाता है। दोनों कनाडा की सीमा तक ड्राइव करते हैं और जंगल से इलीगली बॉर्डर में प्रवेश करने के लिए चलते रहते हैं। गलती से बेन के हाथ
हाथ पर कट लग जाता है और हर्षल घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ता है। रात में वो अपने परपोते को गर्म रखने के लिए उसे गले लगाता है। हालांकि बेन ने उसे खराब बातें कही थी, हर्षल अभी भी उसे अपनी फैमिली मानता है। अगली सुबह वे सीमा पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वे छिपते हैं जब बॉर्डर पेट्रोल उन्हें लगभग देख लेते हैं। बात करते समय बेन हर्षल के लिए बुरा महसूस करता है और कन्फेस करता है कि वो बेन ही था जिसने क्रिश्चियनिटी के बारे में उससे सवाल पूछा था, क्योंकि वो अचार बिजनेस को तोड़ना चाहता था। बेन को उम्मीद थी कि हर्षल उसे माफ कर देगा, लेकिन उसकी बजाय हर्षल बेन के चेहरे पर मुक्का मारता है। वो बेहोश हो जाता है और ये हंगामा बॉर्डर पेट्रोल दल का ध्यान आकर्षित करता है। हर्षल छुप जाता है और बेन के रेजर और कपड़े को एक बैग में पाता है। वो जल्दी से बचने का एक तरीका सोचता है और अपनी दाढ़ी मुंडवाता है और खुद को बेन के रूप में दिखाता है। ऑफिसर ये सोचकर बेन को अरेस्ट करते हैं कि वो हर्षल है, जबकि हर्षल खुद छूट गया है क्योंकि उसके पास बेन की आईडी है, जिसके बाद बेन को मुकदमे में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद मामले को एक मजाक माना जाता है जब वो बोलता है कि वो हर्षल नहीं है। अंततः बेन को अपने परदादा की बजाय स्लप्स्क भेज दिया जाता है। वो अकेला है अजनबियों से भरे शहर में। यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है, उनसे जगह के लिए पूछता है जिसमें वो रात बिता सके। वो एक चर्च में जाता है और वहाँ रहने का फैसला करता है। इसी बीच हर्षल अपने परपोते के लिए खराब महसूस करता है। हर्षल अपार्टमेंट में जाता है और फैमिली के फोटो एल्बम को देखता है और पुराने दिनों के बारे में याद करता है। उसे एक ड्राइंग मिलती है जो बेन ने बनाई थी अपने माता पिता के लिए। तभी पता चलता है कि हर्षल के बूप और बॉप पेट नेम थे जो बेन ने अपने माता पिता को दिए थे। हर्षल को पता चलता है कि बेन हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहता था और बेन को गलत समझने के लिए हर्षल सैड महसूस करता है। इसके बाद हर्षल स्लप्स जाने का फैसला करता है और बेन को घर वापस लाने का फैसला करता है। इसी बीच स्लप्स में बेन को चर्च के लोगों द्वारा प्रेयर करने और मृत परिवार के सदस्यों को सम्मान करने के लिए कहा जाता है। वो प्रेयर के दौरान इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये उसे अच्छा महसूस कराता है। इसके बाद हर्षल उसके सामने आता है और अपने कामों के लिए माफी मांगता है। हर्षल कहता है कि बेन ठीक वही है जो हर्षल चाहता था और दावा करता है कि बेन के माता पिता को उस पर गर्व होना चाहिए। दोनों एक लेक पर जाते हैं जो सारा का पसंदीदा स्थान था। दोनों एक साथ अचार का बिजनेस शुरू करने पर चर्चा करते हैं, जहां वो केवल खीरे के अलावा भी बहुत कुछ का अचार कर सकते हैं। बेन कहता है कि वो कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाएगा जिसके माध्यम से वे दुनिया भर में अचार बेच सकते हैं। दोनों अंततः ब्रुकलिन लौटते हैं और सारा की कब्र देखने जाते हैं। फाइनल सीन में दोनों अपने मृत परिवार के सदस्यों के सम्मान में एक साथ प्रेयर करते हैं। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।